नागिन 5 में अपने नागिन के किरदार से सबका दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस हिना खान यानी सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन के किरदार का हो चुका है अंत। हिना खान ने कर ली है नागिन 5 की शूटिंग कंप्लीट। इसी के साथ हिना ने कहा कि शो को लॉन्च करना उनके लिए है ऑनर की बात। हिना खान ने कई समय से टेलीविजन से ब्रेक लिया था, वो बॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज करती नजर आ रही थी। वहीं नागिन 5 से हिना फिर से नजर आई टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस पर हिना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं थोड़ी देर के लिए टेलीविजन नहीं करना चाहती थी, लेकिन एकता उत्सुक थी और मुझे इस बात का खुलासा करने की अनुमति नहीं थी कि मैं नागिन में कहां से और कैसे आई। शो के लॉन्च का सारा थ्रिलर सस्पेंस मेरे सामने ही प्लान किया गया था। मुझे इसे लॉन्च करना और केवल कुछ एपिसोड्स के लिए इसका एक हिस्सा होने के नाते ईमानदारी से मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सम्मान और एक शो को शुरू करने का सौभाग्य है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए एकता का कहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नागिन 5 में हिना को उनके फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। इसी के साथ उन्हें हॉटेस्ट नागिन का खिताब भी दिया गया। मैं सभी सराहना और प्यार के लिए आभारी हूँ कि मेरे फैंस मेरे लुक और परफॉर्मेंस के लिए नागिन के रूप में बरस रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ हर बार अपने लुक, अवतार और कैरेक्टर में बहुत एफर्ट किया करती थी। मैंने हॉटेस्ट नागिन जैसे टैग पर काफी ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं अपने फैंस के प्यार और इसके पीछे जेन्युइन इंटेंशंस को एक्नॉलेज करती। ये उनका प्यार और समर्थन ही है जो मुझे जारी रखता है। अपने फैंस को शुक्रिया अदा करते हुए हिना ने कहा, ये मेरे प्रशंसक है जिन्होंने मुझे इतना प्यार और समर्थन दिया है कि आज मैं एक अभिनेता के रूप में मेरी यात्रा में ना केवल डिफरेंट जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, बल्कि भारत के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन पंथ का शुभारंभ करने का अवसर भी मिला। हिना खान का था नागिन 5 में कैमियो, जहां अब आगे की कहानी बढ़ाती नजर आएंगी सुरभि चांदना, जो बानी के किरदार में शो में नजर आएंगी। वहीं मोहित सहगल जय के किरदार में नजर आएंगे। बानी और जय की लव स्टोरी के विलन बनते नजर आएंगे शरद मल्होत्रा। अब आगे की नागिन की कहानी क्या मोड़ लेती है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हिना खान को सर्वश्रेष्ठ नागिन के रूप में देखने के लिए उनके फैंस उन्हें काफी करेंगे मिस। आपको कैसे लगी हिना खान का, आपको कैसे लगा शो में हिना खान का सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन का किरदार, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।